सो हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये पहला रिव्यू वीडियो होने वाला, क्योंकि देखो एक अच्छा अनुभव है रिव्यू वीडियो लाने वाला। मेरे को टॉप मेरे को मिला टॉपिक, बट मैंने मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते उस, मेरे को पता है उस पर व्यूज़ नहीं मिलने वाले अकॉर्डिंग टू माई। अब मेरे को पता चलेगा किस पर व्यूज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। तो क्लासरूम ऑफ एलीट का सीजन टू बहुत चर्चे में, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लासरूम ऑफ एलीट पर रिव्यू बनाए। और मैंने इसमें एनिमे कैसे देखा, कैसे देखा, अपने ओपिनियंस, बस रिव्यू नहीं करूँगा कैसे है नहीं एनिमे, अपनी ओपिनियंस इस एनिमे से रिलेटेड शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए भाई एनिमे क्लाउड के अलावा भी ऐसा कोई कुछ यूट्यूबर्स है जो कि अपने ओपिनियंस देते हैं, जैसे कि मैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बस लगाते हैं इंट्रो, शुरू करते हैं थोड़े को बिना किसी देरी के। तो क्लासरूम ऑफ एलीट बिगिनर्स के लिए नहीं, ऐसा क्यों, चलो मैं बताता हूँ। तो देखो मेरा क्या हुआ था, क्लासरूम ऑफ एलीट मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि देखो, क्योंकि एक यूट्यूबर बीस फंटासी नाम से, मैं उसे अटैक ऑन टाइटन के एक्सप्लेनेशन देखता था एपिसोड देखने के बाद, तो उस पर मेरे को क्लासरूम ऑफ एलीट व्यू डालने लगा। देन फिर मेरे को मेरा दोस्त बोला कि नहीं इसको चलो देखते अच्छा है, तो मैंने क्लासरूम ऑफ एलीट देखा। एंड मैं उससे पहले कोई भी एक्शन जॉनरा को छोड़कर कोई भी एनिमे को मैंने उस टाइम नहीं देखा था, तो इसीलिए, और मेरे को उधर एक्सप्लेनेशन बस देखता था, एपिसोड नहीं देखता था, और उस बिगिनर्स था ना उस टाइम, मेरे को शुरू शुरू में पता चला। तो मेरे क्लासरूम ऑफ एलीट की एक्सप्लेनेशन देखने लगा मैं बीस्ट फैंटेसी के चैनल में। एंड देखो मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट मैंने एपिसोड वन देखा, टू देखा, थ्री देखा, फोर देखा, एंड बट आई मेरे को ना मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे को स्टोरी समझ ही नहीं आ रही थी। एपिसोड वन बिगिनिंग था तो इसीलिए उतना नहीं, पर आगे जब मेरे देखा पॉइंट्स वाला था कि किस तरीके से पॉइंट्स मिलता है मैलेट वैलेट, तो क्या तो बात है कि पॉइंट्स पैसे कैसे मिलते हैं उन लोगों को येन वेन, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो देखो भाई, तो इसीलिए मेरे को पहली बार देखा था एक्शन को हट के, तो मेरे को इतना पसंद नहीं आया शुरू में। एंड क्लासरूम ऑफ एलीट मैंने देखा, कई एपिसोड्स देखे, फिर मेरे को एपिसोड्स के बारे में पता चला, तो फिर मैंने एपिसोड्स भी देखना शुरू करे म्यूजिशियम में, उस पर एक्सप्लेनेशन देखने लगा। एंड बट फिर क्या हुआ, एक मैं देखा आस्ते आस्ते वन पंच मैन देख रहा, तो उसके बाद मैंने देखा, तो फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि टोक्यो एवेंजर्स देखो, क्योंकि टोक्यो एवेंजर्स को पहले पता था कितना अच्छा नहीं है, बट इसकी मैंने सोचा कि क्लास वो लेट के बाद टोक्यो एवेंजर्स देखो, बट मेरा दोस्त ने बोला टोक्यो एवेंजर्स, देन आई फाइनली वॉच टोक्यो एवेंजर्स, और मेरे क्लास वॉलेट को बीच में स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे कोई भी एनिमे आज तक आधा नहीं छोड़ा था। हाँ, और ये मेरा पहला एक्शन को हट के जॉनरा वाला एनिमे था, तो मैंने देखा एंड स्किप कर दिया बीच में। ज़्यादा एपिसोड मैंने एपिसोड सिक्स या सेवन में मैंने स्किप कर दिया था, सो या राइट सेवन में ही किया था स्किप, सिक्स या सेवन में किया था स्किप, तो मेरे उस बार टोक्यो एवेंजर्स देखने लगा एंड फिर क्लासरूम ऑफ एलीट को भूल गया। और मैं एक्शन से हट के जॉनरा वाला एनिमे कभी देखता ही नहीं था, बट मैंने ऐसे सर्च मारा एनिमे क्लाउड नाम के एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने प्रिजन स्कूल का एक रिव्यू वीडियो डाला, तो प्रिजन स्कूल की स्टोरी को जानकर, उसकी एनिमेशन को जानकर मैंने देखा प्रिजन स्कूल की एक्शन से हट के जॉनरा था, जो जॉनरा एक्शन से हट के था। देन मैंने प्रिजन स्कूल देखा एंड आई रियली लाइक दिस, क्योंकि क्लासरूम ऑफ एलीट देखा तो पसंद नहीं आया, क्योंकि स्टोरी ही मेरे को समझ नहीं आई। और उसके बाद मैंने प्रिजन स्कूल देखा एंड फिर अभी क्लासरूम ऑफ एलीट का सीजन टू अनाउंस हुआ है, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं क्लासरूम ऑफ एलीट के सीजन टू के अनाउंसमेंट की बात करूँ, कब होने वाला, नहीं होने वाला है, एंड आगे भी 6 मार्च को डिटेल मिलने वाली है, और तो इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल में आएगी। एंड मैंने फिर क्या किया, सीजन टू अनाउंस हुआ तो मेरे को एनिमे नहीं मिल रहा था अच्छा है, तो मैंने क्या किया, क्लासरूम ऑफ एलीट देखना स्टार्ट वापस से कर दिया। एंड नाउ देखो भाई, जितने भी मैंने, तो देखो भाई बता दूँ, पहले बिगिनर्स जो है, क्योंकि एक्शन को हट के जो एनिमे देखने वाले हैं पहली बार, या कुछ एक्शन से आपका जो जॉनरा से आप एनिमे देखते हो है, कॉमेडी ड्रामा रोमांस को छोड़कर, तो अगर आप क्लास ऑफ एलीट को देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि आपको आप ऐसे बंदे जो कि आप एक्शन को हट के जॉनरा आपको पसंद है, मतलब एक्शन पसंद है आपको, दूसरे जॉनरा नहीं, एक्शन के देख रहे हो आप, एंड आप दूसरे जॉनर को ट्राई करो न्यू, आपको इंग्लिश सब उतना अच्छे से याद नहीं, आपको उतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं आती, आपको बार बार दिमाग में ना क्लास वो वाली डबल देखो आपके लिए नहीं है, पहले दूसरे एनिमेज देखो अच्छी तरीके से, एक बढ़िया बहुत बड़ा फ़ैन बनो,
क्लासरूम ऑफ एलीट के एंड देन देखो, क्योंकि फिर आपको स्टोरी तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। और एपिसोड के बाद एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लेना, वरना अगर सिर्फ एपिसोड देखना सोच रहे हो इंग्लिश शब्द में तो मत देखो, क्योंकि ये एनिमे बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो पहले दूसरे एक्शन जेड के अगर आप देख रहे हो, दूसरे एनिमे देख के और देन फिर क्लास वो वाली देखो। और मैं बात करूँ अवेलेबल किधर है, तो म्यूज़ एशिया में अवेलेबल है ऑफिशियली यूट्यूब में, एंड एक्सप्लेनेशन भी 20 फैंटेसी ने एपिसोड 11 तक डाला हुआ है, एंड एक और यूट्यूबर है जो कि 12 तक डाला हुआ है, तो जाके देख लेना एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लो, वरना आपको समझ आने वाला नहीं है। स्टोरी के बारे में बात की जाए तो मेन कैरेक्टर, तो स्पॉइलर नहीं देने वाला, मेन कैरेक्टर है एंड वो हाई स्कूल में जाता है, एंड इसके एंड में जो एक आइलैंड में लोग जाते हैं एंड वहाँ मिशन करते हैं, बहुत गजब स्टोरी है। क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है ना, देखो उसमें परफॉर्मेंस के मुताबिक उनको पॉइंट्स मिलता है, एंड सीरीज की जो स्टोरी है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लड़ाई होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्यों बोलूँ, उतनी बड़ी बात नहीं लेकिन तब भी होगा। एंड आयोनो कोजी मेन कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट ही है, एंड इस सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कुशीदा है, एंड हमें सबको क्रश, जिस जितनी भी लड़की का क्रश है वो आयोनो कोजी में ही है। देखो क्यों, जैसे कि साकुरा एंड कुशीदा एंड आगे जाके मे बी होरिकिता भी थोड़े से फीलिंग्स आ चुके हैं, एंड इस हाई स्कूल एनिमे। और बस ज़्यादा स्टोरी के बारे नहीं करने वाला, और इसमें सबसे मेन बात है इसकी एनिमेशन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके आँख जो होते हैं कैरेक्टर्स के, आईज दैट वाज सो गुड, लोगों के ओपिनियन देखा जाए इसके आईज जो होते थे कैरेक्टर्स के बहुत गजब है, बट इसकी एनिमेशन मेरे को पसंद है, क्योंकि इस एनिमेशन में किसिंग सीन्स उतने ज़्यादा ओपी, मतलब मेरे को इस एनिमे मेरे को अपना ओपिनियन बोलूँ तो ये एनिमेशन पसंद है। बस इस एनिमेशन में अगर किसी सीन आया तो नहीं है, लेकिन अगर आता है तो उतना ज़्यादा ऐसी एनिमेशन में मेरे को पसंद नहीं है किसिंग सीन्स। अगर आपने से आई लव यू देखा है या डीमन स्लेयर, तो वैसी एनिमेशन में मेरे को किसिंग सीन्स अच्छे लगते हैं, बट इस एनिमेशन में मेरे को नहीं पसंद है। एंड ये फुल हारेम इची टाइप का, इची मतलब हाँ इची टाइप का एनिमे, क्योंकि इसमें आपको पता है वो सब दिखाया जाता है, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो ये एनिमे एक देखना चाहिए कि नहीं, तो जितने भी अब तक मैंने एनिमे देखे, रैंकिंग बोलूँ तो जितने भी एनिमे देखे उनमें से सबसे ज़्यादा घटिया तो देखोगे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लोअर रैंक में ये क्लासरूम ऑफ एलीट आता है, इसका सीज़न वन। हाँ आगे जाके जो आर्ट होता है वो बहुत गजब होता है, बट कैरेक्टर कई सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, लेकिन उनमें से बहुत कम कैरेक्टर को कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, क्योंकि 12 ही एपिसोड्स थे। बट अगर एक ओवीए होता या फिर कम से कम 20 प्लस एपिसोड्स होते देन हमें अच्छी तरीके से दिखाया जाता, बट इसमें ये दिक्कत हो जाता फिर 12 एपिसोड में चलो कुछ स्टोरी समझ नहीं आती तो फिर और दिक्कत हो जाता, लोग देखते नहीं। बट आफ्टर अ 5 ईयर्स, पहले तो उसका सीज़न 2 रहा है, बट आफ्टर अ 5 ईयर्स आ चुका सीज़न 2, एंड आई होप सीज़न 2 वाज मोर बेटर दैन सीज़न 1, क्योंकि सीज़न 2 में कैसा था सीन, अच्छा हो तो अच्छा है। एंड प्लीज़ आई वॉन्ट आयोनो कोजी विद कुशीदा, मेरे को पता हो रही की तभी, बट मेरे को साकुरा के साथ आयोनो कोजी को नहीं देख रहा, हो रही की के साथ देना है देखना है तो दो वन, और या कुशीदा के साथ दो, और उसके साथ मत देना साकुरा, आई डोंट लाइक दिस हिज बोथ कपल्स। एंड ऑल्सो मैं कहने जाता हूँ एंड आयोनो कोजी वाज सतन के लोग बोल रहे एपिसोड 12 कितना अच्छा, उतना मैं बस मेन कैरेक्टर के इंटेंशंस कुछ डिफरेंट ही है। और कुशीदा क्या चाहती, कुशीदा इसे होरिकिता को पसंद नहीं करती क्योंकि क्लास में सबसे ज़्यादा उसको मतलब वो किया जाता है, समझ लो ना, पॉपुलर है, बट अगर ऐसा है तो उसके साथ फ्रेंडली क्यों रहना चाहती है, ऐसा एक्ट क्यों कर रही है, उसके साथ फ्रेंड है ऐसा क्यों कर रही है। और वैसे भी होरिकिता से ज़्यादा कुशीदा को पसंद करते थे, हमने देखा था, एंड फिर उसके बाद लोगों को होरिकिता के पास जाते अगर कुशीदा लोगों को नहीं मिलती है, एंड यही मैं कहना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो मेरे को होरिकिता पहले जब मैंने देख रहा था तब मेरे को उतनी पसंद नहीं आई थी, बट अब ये राइट आई लाइक कुशीदा, और मतलब होरिकिता मेरे को पहले पसंद नहीं आई थी, बट अब मेरे को पहले कुशीदा पसंद आई थी, बट अब कुशीदा और होरिकिता ज़्यादा दोनों अच्छी लगती, बट अब कुशीदा ऑब्वियसली आगे, बट होरिकिता भी अच्छी लगने लगी। देखो एनिमे में जिस कैरेक्टर का बाल, जिस भी लड़की का बाल ब्लैक होता है वो लड़की मेरे को उतना पसंद नहीं है, एक्सेप्ट मिकासा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो मैं चाहने में से ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू आर अ बिगिनर जो कि एक्शन से हट के पहली बार देखने वाला है तो, और आपको इंग्लिश शब्द अच्छी तरीके से समझ नहीं आता है, मत देखो एनिमे, दूसरा एनिमे देखो एंड देन फिर आओ, एंड एक्सप्लेनेशन ज़रूर से देख लेना मेरे ओपिनियन एपिसोड देखने के बाद, तभी आपको स्टोरी समझ आने वाली है कैसा एनिमे। तो मैंने जितने भी एनिमे उनमें सबसे नीचे रैंक में क्लासरूम ऑफ एलीट को देने जाता हूँ, क्योंकि अच्छा है, बट वो सब एनिमे जो है ना
लाइक टोक्यो रेवेंजर्स मैंने देखा है, अटैक ऑन टाइटन, डेमन स्लेयर एंड माय हीरो एकेडमिया, तो वो एक अलग लेवल पे। हाँ बट क्लास हुआ लेट अच्छा, बट डीजे पे जहाँ पे वो लोग वो सब है तो वहाँ पे बहुत सकते हो, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। तो बस यही था मेरा वीडियो, अगर ऐसे ही और एनिमे रिव्यूज चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन सा एनिमे रिव्यू करो। पहले अभी एनिमे देखूंगा फिर मैं आपको रिव्यू करूंगा। एंड और भी मैंने कहा एनिमे देखे, आप चाहते हो कि और एनिमे रिव्यू वीडियो आए तो कमेंट करके बता देना वीडियो पे। चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बाद में बेल आइकन रहता है उसको तो अभी ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो के रेटिंग होते ना मिलते शेयर करोगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा यूट्यूबर हो यार, थोड़ा सा व्यूज़ भी दिला दो। एंड बस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि अच्छे अच्छे पोस्ट और रील्स आते रहते हैं, स्टोरी भी डालता रहता हूँ। एंड बस फॉलो वॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, फॉलोवर्स बढ़ाओ। एंड यूट्यूब में भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखते तो बहुत लोग बस सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, और देखने के साथ सब्सक्राइब के साथ शेयर भी बहुत कम लोग करते हैं, कर दे रहे सबको। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट, एंड बाय बाय।